नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और यहाँ पे हम एक बहुत भयंकर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे न्यूज आ रही है कि अग्निकुल ने क्या किया, सफल पूर्वक परीक्षण कर लिया। भाई साहब किसका? इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का। तो हालांकि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस टाइप का होता है, कैसा क्या होता है ये। अब मैं बात करूं भैया इनको फंडिंग कौन कर रहा है, तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी को फंडिंग करने का काम कौन कर रहे हैं? आनंद महिंद्रा जी। लगभग न्यूज के हिसाब से इन्होंने 81 करोड़ रुपीज के लगभग अराउंड मनी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। और एक न्यूज ये भी आ रही है, लोग में ये बोलते हैं, आशाएं लगा रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका का स्पेस एक्स, एलन मस्क का और जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन बोलते हैं, जिसे प्राइवेट सेक्टर में दम धमाल मचा करके रखा है, उसी तरह से ये इंडिया का अग्निकुल प्राइवेट सेक्टर क्या करने वाला है, आगे आने वाले समय बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है। हालांकि अभी ये कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन आने वाले समय बड़ा धमाका करेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है दोस्तों। अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या किया, भारत के अंदर बनाए गए हुए इंडिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन को क्या किया, श्रीहरिकोटा से 7:15 में वेनसडे को क्या कर दिया, सफल पूर्वक क्या किया, परीक्षण कर लिया उसका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये 3D प्रिंटेड इंजन क्या होता है। तो देखो आप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, देखो देखो आप क्या होता है, जैसे जेरॉक्स मशीन होती है उसके ऊपर पेपर रखते हो, बटन दबा देते हो, प्रिंट मार करके निकाल देता है। उसी सिंपल लैंग्वेज में समझो कि भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी को खाली कमांड देना, डिजाइन विजाइन करके रेडी हो गया सब, खाली उसके मटेरियल डाल दो मशीन में, बस बटन दबा दो, जिस प्रकार का इंजन चाहिए आपको बना करके क्या कर देगा, वो रेडी कर देगा, है ना, बहुत बड़ी बात दोस्तों। अब ये चेन्नई के श्रीहरिकोटा से 7:15 में 29 मई को क्या किया गया भाई साहब, ये सफल पूर्वक परीक्षण किया गया, इसका लॉन्च किया गया। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो लॉन्च पैड है ना, इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है भैया, जिसका नाम क्या है, धनुष। अब इसको कहीं पे भी उठा के लेके जाओ, उठा लो भैया ट्रक में डालो, जहां हाँ इंडिया के किसी भी कोने में जाना भैया, वहां से जाकर के आप लॉन्च कर सकते हो आसानी से, ये बहुत बड़ी बात है सर। चलिए देखिए अब इसकी बात कर रहे हैं, ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी भाई साहब, कहने का मतलब जो स्पेस में जाती है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमेगी नहीं, कहने का मतलब व्हीकल अंतरिक्ष में पहुंचेगा और फिर ग्रह के चक्कर लगाए बिना क्या करेगा, वापस लौट आएगा। अब इसने बोलते हैं ना खास ऐसी कौन कौन सी काम कर दिए दोस्तों, जिसके ऊपर बोलते हैं ना लोग न्यूज बना रहे, जिसकी बोलते हैं ना प्रसिद्धि बढ़ते जा रही है। ये प्राइवेट लॉन्च पैड था जिससे रॉकेट को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। पहली बात, यह पहली सेमी क्रायोजेनिक इंजन था जिसका नाम क्या था, अग्निलेट्स। अब दोस्तों ये भी बोला गया कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन था, तो खास चीजें बोलते हैं ना इस रॉकेट के अंदर थी, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। अब दोस्तों हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आनंद महिंद्रा जी ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो अग्निकुल कॉस्मोस की फंडिंग आनंद महिंद्रा जी ने की है, अराउंड 80.43 करोड़, मतलब 81 करोड़ रुपीस पकड़ लीजिए आप, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इस कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी, ये कंपनी चेन्नई में स्थापित है। इस कंपनी को चालू करने वाले श्रीनाथ रविंद्र चंद्रन और IIT के मद्रास के प्रोफेसर SR चक्रवर्ती ने मिलकर के इस कंपनी को क्या किया था, शुरुआत किया था। और एक खास बात दोस्तों यह है कि अग्निबाण जो है ना, जो मिसाइल है, वो 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को धरती के निचली कक्षा में स्थापित करने में क्या है, सक्षम है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तुरंत ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबाइए, दन से सब्सक्राइब होगा सन से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।